स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। जिले के लटेरी स्वास्थ्य केंद्र में एक दलित गर्भवती महिला का कथित अस्पताल से बाहर जाते समय गेट के अंदर जमीन पर ही प्रसव हो गया। महिला को डिलीवरी के लिए परिजनों के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र लटेरी लाया गया था, तभी दर्द होने पर स्टाफ को बुलाया गया, जिसके बावजूद स्टाफ की लापरवाही के चलते महिला को टाल दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि उक्त महिला के कथित अस्पताल से बाहर जाते समय दरवाजे में ही प्रसव हो गया। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा बाहर ही आधे घंटे तक नीचे खुली जमीन पर गंदगी में पड़ी तड़पती रही। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने कपड़े की एक दीवार बनाई और गर्भवती महिला की मदद की। लगभग आधा घंटा चले इस घटनाक्रम के दौरान अस्पताल की नर्स बाहर खड़ी हुई देखती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इसी बीच यहां पहुंचे स्थानीय लोगों और मीडिया के हस्तक्षेप से पीड़ित महिला को पैदल ही अस्पताल के अंदर ले जाया जाने लगा था, जबकि स्टाफ ने बच्चे का नाल काटने को ब्लेड तक पीड़ित महिला के परिजन से बाहर से ले जाने को कहा। अस्पताल से ब्लेड तक नहीं निकाली गई, ना डॉक्टर थे ना वार्ड बॉय, संबधेर नगरी चौपट राजा जैसा लग रहा था। अस्पताल में हुई इस घटना से सैकड़ों लोगों ने काफी नाराजगी जताई, जबकि उधर जिला स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा योगेश तिवारी ने अपने बयान में कुछ अलग ही कहानी मीडिया को बताई है। उन्होंने बताया कि महिला की डिलीवरी उनके निजी वाहन में हुई और अस्पताल स्टाफ ने उसको देखते ही अंदर ले लिया और सब मैनेज किया, तो फिर पीड़ित महिला जच्चा बच्चा वीडियो में अस्पताल के दरवाजे के अंदर आधे घंटे तक नीचे गंदगी में पड़े हुए क्या कर रहे थे, जबकि परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने अलग बयान मीडिया को दिए हैं। प्राइवेट गाड़ी कन्फर्म है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये बोला नहीं, हॉस्पिटल में ब्लेड नहीं है तो मैडम आप मतलब पेशेंट को उसके परिजनों को ब्लेड के लिए भेज रहे हो? नहीं, हॉस्पिटल में ब्लेड नहीं होती क्या? बाकी मेरी राय बीती से जले जाओ, मैं नहीं देख पाऊंगी, साफ मना कर दिया। क्या चाहते हो? अभी नॉर्मल है, कोई परेशानी है नहीं कि आप बीती से जाओ, ये बोल रही है मैडम। आपको क्या लगता है इन सारी चीजें? इन सारी चीजों से परेशान करना है कुछ नहीं है, पैसे मांग रहे हैं, पैसे जो सब नहीं करवा देंगी वो, और कोई बात नहीं है इससे हटके। क्या नाम है भाई? रानी। कहाँ से आई? संकेर से। क्या मामला है और किसको लेके यहाँ आई? बहनी लेके यहाँ आई डिलीवरी चेक करने। हुई डिलीवरी? क्या हुआ सर, पूरी बात बताइए। तो सर बुलावे गए, मैडम भी बुलावे गए थे तो उन्होंने भी आ रहे तो आ रहे थी, नहीं आए सुन आ रहे हैं तो जाए डिलीवरी हो गई गेट का, अस्पताल के गेट का। मामला यह है कि मैं रोड से निकल के जा रहा था, यहाँ पे भीड़ देगी तो यहाँ पे एक महिला के डिलीवरी हुई है जो कि गेट पे हुई है, तो लगभग आधा घंटा मुझे होगा यहाँ यहाँ पे, तो आधा घंटे से देख रहा हूँ यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई स्टाफ का व्यक्ति, ना कोई कर्मचारी आया, ना तो उन्हें स्ट्रेचर उपलब्ध करवाई, और अंदर जाने के बावजूद भी वहाँ पे देखा तो स्टाफ के व्यक्ति से बात की तो वो बोले आ रहा है, तो लगभग 15-20 मिनट तक तो वो लोग नहीं आए। इतने पे यहाँ पे सर्जिकल ब्लेड की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी पेशेंट से मतलब इनके परिजनों से इनने ब्लेड बाहर से मंगवाई, यहाँ पे उपलब्ध भी नहीं है हॉस्पिटल की। कहाँ रहते हो? मनवल सिंह तोमर। कहाँ रहते हो? मैं ईसागढ़ रहता हूँ। गाँव एक पेशेंट लेने आया था ऑटो से, जब डिलीवरी हुई थी मैंने यहाँ आके देखा रोड पे खड़ा था मेरा ऑटो, दूर से ही मैंने देखा तो रोड के पास में एक डिलीवरी हो गई एक बाई के रास्ता में, तो साथ मेरे आउतना एक लड़का, मैंने कहा भैया ले आने, तो भैया तुम देखो बात रोड पे डिलीवरी हो रही है, रास्ता में डिलीवरी हो गई बात है। हमने पूछा तलाश करें कोई सिस्टर मैडम आई नहीं आए, तो भैया जहाँ कोई है ही नहीं है, तो लगभग 15-20 मिनट तक रोड पे ही डरी रही बेचारी। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।